हाय एवरीवन आज हम बात करेंगे रेलवे डीएफसीसीआईएल वैकेंसी के बारे में डीएफसीसीआईएल एफ सी इज़ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं आपने इंजीनियरिंग डिग्री किया है इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स किया है आई किया है एम किया है पी किया है या फिर आपने एम या बी सी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं आप सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है तो वन थाउजेंड प्लस वैकेंसी है जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए तो चलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो डिटेल में ये वीडियो होने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देती हूँ तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल से स्टार्ट है और लास्ट डेट है ट्वेंटी थर्ड मई तो ट्वेंटी थर्ड मई इलेवन फोर्टी फाइव पी एम तक ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आपका एग्जामिनेशन जून के मंथ में होगा तो ये टेंटेटिव है अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है ये चेंज भी हो सकता है तो चलिए सबसे पहले हम पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में पोस्ट वाइज इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है तो जूनियर मैनेजर पोस्ट की बात करें तो इसका जो स्केल है वो फिफ्टी थाउजेंड टू वन लैख सिक्सटी थाउजेंड है और जूनियर मैनेजर के लिए टोटल थर्टी वन वैकेंसी है और यहाँ पे आप आ, रिजर्वेशन देख सकते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजोंटल चलिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें आपकी इंजीनियरिंग डिग्री uh, है तो अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है आपने मिनिमम के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए नेक्स्ट है जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड बीटी तो यहाँ पे टोटल सेवेंटी सेवन वैकेंसीज है और इसके लिए अगर आपने एम बी ए पीजी डी बी ए पी जी डी बी एम डी एम किया है दो साल का तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें स्पेशलाइजेशन दिया गया है नेक्स्ट है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल और इसमें आपका टोटल तीन ही वैकेंसी है और इसके लिए एजुकेशन uh, क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है तो देख लीजिए यहाँ पे बास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो स्केल है वो थर्टी थाउजेंड टू वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड है तो इसमें पहला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए तो इसमें तो टोटल 73 वैकेंसीज है और इसमें आपका डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट है अगर इनमें आपने डिप्लोमा कोर्स किया है इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर हायर डिग्री की बात करें तो अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स भी किया है रेलिवेंट स्पेशलाइजेशन में तो भी आप एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं चलिए एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल फोर्टी वैकेंसी है और यहाँ पे भी डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है तो अगर आपने एम या बी कोर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो इसके लिए पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है लाइक अगर आपने कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बी सी एम सी किया है तो आप एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें टोटल 87 सेवन वैकेंसीज़ है नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड पी तो इसमें आपका टोटल टू वैकेंसीज़ है तो इस पोस्ट के लिए ज़्यादा वैकेंसी है क्योंकि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन uh, है तो ग्रेजुएशन आपका किसी भी डिसिप्लिन किसी भी स्ट्रीम से है और आपने मिनिमम सिक्सटी परसेंट स्कोर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं चलिए अगला है एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल तो यहाँ पे टोटल तीन ही वैकेंसीज है और यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मेकाट्रॉनिक्स प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से अगर आपने इंजीनियरिंग कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं चलिए अगला पोस्ट जो है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए और इसका जो स्केल है वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू सिक्सटी एट थाउजेंड है तो यहाँ पे पहला जो पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका मेट्रिकुलेशन होना चाहिए यानी कि आपने टेंथ कर लिया है टेंथ के बाद आपने अगर आईटीआई आई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 135 नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड कम्युनिकेशन और यहाँ पे टोटल वन वैकेंसीज है नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी और यहाँ पे टोटल 225 वैकेंसीज है और अगेन आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आईटीआई या फिर दो साल का आपका एक्ट uh, अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट है ठीक है अगर आपने ग्रेजुएशन किया है इन डिसिप्लिन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं चलिए अगला पोस्ट है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए तो यहाँ पे जो भी पोस्ट है हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और उसमें भी स्पेशलाइजेशन दिया गया तो उन स्पेशलाइजेशन के साथ आपने उस कोर्स को किया है तो आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट एक चीज़ और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है वो आपका टेंटेटिव है मतलब ये कि ये आपका इंक्रीज और डिक्रीज़ हो सकता है ये एग्जैक्ट नहीं है एज लिमिट की बात करें तो जूनियर मैनेजर पोस्ट की जो एज लिमिट है वो 18 टू 27 है और एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 18 टू 30 इयर्स आपकी एज लिमिट है यहाँ पे गाइस एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एस टी एस या फिर पी डब्ल्यू डी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारी पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है Uh, जो भी uh, पोस्ट है सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे टिक है तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो आपको देना होगा एंड देन उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा बट ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बी डी पोस्ट के लिए ही होगा बाकी पोस्ट के लिए नहीं होगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके सारे पोस्ट के लिए होगा एंड देन आपका इंटरव्यू इंटरव्यू तीन ही पोस्ट के लिए होगा जूनियर मैनेजर सिविल के लिए होगा जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बी के लिए एंड जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए आपका इंटरव्यू होगा इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा मेडिकल टेस्ट पोस्ट के लिए आपको देना होगा तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में डिटेल में दिया गया है तो ये जो टेस्ट है वो आपका तीन सेशन में होगा और ये मल्टीपल डेज में होगा ठीक है दो या तीन सेशन में होंगे और आपका दो घंटे का ये पेपर होगा एंड वन ट्वेंटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके सी बी टी एग्ज़ाम में और ये जैसे कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ऑनलाइन होने वाला है ये एग्ज़ाम सिलेबस देखना है तो आपको एकदम बॉटम में जो नोटिफिकेशन है आ, उसमें आपको बॉटम में मिल जाएगा तो मैं आपको एंड में दिखा दूँगी क्या सिलेबस है एंड ये एग्ज़ाम आपका दो लैंग्वेज में होगा हिंदी एंड इंग्लिश तो ये दो ही लैंग्वेज है जिसमें आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी गई है जीरो पॉइंट टू फाइव आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो सी बी टी एग्ज़ाम को अगर आप देते हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए फोर्टी uh, परसेंटेज प्रिस्क्राइब किया गया है तो इतना आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है और एस सी ओ बी सी नॉन क्रीमिलियर एंड ई डब्ल्यू एस के लिए मिनिमम थर्टी परसेंटेज है और एस टी के लिए ट्वेंटी फाइव परसेंटेज क्वालिफाइंग मार्क्स है चलिए अब बात करते हैं अगर दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में टाई हो जाता है मार्क्स में तो टाई को रिजोल्व करने के लिए दो चीज़ें दी गई है यहाँ पे पहला तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है अर्लियर डेट ऑफ बर्थ को प्रेफरेंस दिया जाएगा यानी कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको हाई uh, रैंक दिया जाएगा एंड अगर इसमें भी टाई uh, हो जाता है तो इसको रिजोल्व करने के लिए हाइएस्ट इसशियल क्वालिफिकेशन में जो भी आपका मार्क्स है परसेंटेज है उसको कंपेयर किया जाएगा और उसके बेसिस पे ही इस टाई को रिजोल्व किया जाएगा तो सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉटम में आपका सिलेबस दिया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेबस यहाँ पे डिटेल में गिवन है तो इस तरीके से आपके सारे सिलेबस दिए गए हैं पोस्ट वाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अदरवाइज़ आप यहाँ से भी स्क्रीन ले सकते हैं और अप्लाई कैसे करना है ये भी आपका इस नोटिफिकेशन में दिया गया है तो आप डिटेल में इसे रीड कर सकते हैं एंड देन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं तो अगर आप रेलवे वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच एंड टेक केयर